अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से हैं। हैप्पी की आवाज़ सुन रहे होंगे, वो भी आप लोग को सलाम करें तो प्लीज़ सलाम का जवाब दे दीजिएगा। और ये रही मेरी प्यारी सी सुजैन, जो ये सुबह उठते ही मेरे सर पे कहीं कहीं बैठती रहती हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है बस ऐसे ही, अगर मेरे पास बैठेगी तो कहीं नहीं जाएगी, फिर उठती भी नहीं है। और हैप्पी अपने पापा के पास बैठे हैं, मैं आपको बैक कैमरा नहीं है फिर दिखाती हूँ। ऊपर आई थी पानी डालने रोज़ा खोलने के बाद, तो फ्रेंड्स टब में पानी नहीं था, जितना था मैंने ले लिया, सोचे इतना ही डाल दूँ, फिर सुबह 6 बजे आके डालेंगे। आज सुबह पानी नहीं डाला तो पेड़ कितना सूख गया, देखिए मेरे गुलाब कितना सूख गया, भी सूख गया, सिर्फ अमरूद का सही है, सब सूख गया। देखिए घोंसले एकदम शांत है, पता नहीं इसमें चिड़िया ने बच्चा दिया कि नहीं दिया, आ तो भाग रही है, देखते इसके अंदर क्या है। हाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या हुआ ऊपर आ गए, हम कह दे हमने ऊपर पानी डालने, आज टब में पानी नहीं है बेटा, तो भरा हमने, थोड़ी देर चला के रखो तो भर जाता, पेड़ भी सूखे, सुबह भी नहीं डाला था, दाना भी नहीं डालने आए थे, अभी दाना भी देख रहे हैं, तो हम अकेले थे ना। वैसे कोई बात नहीं, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, उनके यहाँ देखो कितना पानी बह रहा है, वही पानी मिल जाए तुम अपने पौधों में डाल दें टंकी से, देखो है ना। नमाज़ पढ़ा है, पापा आ गए, पापा की तबीयत नहीं ठीक है, कह रहे रोज़ा वो नहीं हो पा रहा हमसे, हाँ सर में दर्द हो रहा ना, दवा भी नहीं खाते, दवा दो तो चलो। अच्छा हम पानी डाल लेते हैं, रात में कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से दूर तक दिखता है, चलो हम पानी डाल लेते हैं पेड़ों में। एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से पानी डालना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, कहते हैं गुलाब का पेड़ नहीं लगता, मेरा ये पेड़ 1 साल तक खूब फ्लावरिंग हुई, सब कुछ हुई, मगर अब ये जो सर्दियों में उजड़ा है तो अभी तक सही नहीं हो रहा, ये वाला तो फिर भी सही हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी है। और मेरे नींबू का पेड़ बिल्कुल मुरझा गया, कल मैं ऊपर आई थी तो आपको नीचे के पेड़ पौधे दिखाए थे मैंने, लेकिन ये ऊपर के नहीं दिखाए थे, ये अजवाइन का पौधा है, सही हो रहा है। इतनी जल्दी सर्दियाँ बीत गई फ्रेंड्स, क्या बताया जाए, हम सोच रहे हैं सुबह 6 बजे आए यहाँ पर दाना ना देने के लिए, देखें दाना अभी है नहीं, ख़त्म हो गया दोनों में, अभी डाल के जाते हैं, पता नहीं सुबह फजीर में उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देते क्योंकि सुबह 6 बजे से बर्ड्स आने लगती हैं खाना खाने के लिए, इनका खाना होना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी रात के पानी देना सही तो नहीं लग रहा मुझे, बट सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से दे रही हूँ कि सुबह फजर में जो है मेरी आँख तो खुल जाती है, मतलब फजर में तिलावत करूँ रोज़ा रखूँ तो हो नहीं पाता है, कि मतलब ये लगता किस रात सो जाएँ, सुबह आना होगा मुझे। चलिए क्योंकि हम दाना दे देते हैं बच्चों को अपने, भैंस का मतलब है चिड़ियाँ बहुत सी आई थी, बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये सब जो है ना छिलके हैं काकून के, इसमें दाने जैसा दिख रहा है मगर ये छिलके हैं, देखिए अभी मैं इसको फटक दूंगी, फटक के दूसरा दाना डाल देती हूँ। तो आ गए फ्रेंड्स अब हम नीचे, नीचे वाले पौधों में पानी देने के लिए, आज बहुत रात हो गई, 7 बज गए, अभी दे देते हैं पानी, देखिए फ्लावरिंग लगे, आज लग रहा बंदर नहीं आए तो मेरे पौधे मेरे फूल बच गए हैं, नहीं तो बंदर अगर आ जाते हैं तो सारे फूल हो जाते हैं। अब देखिए मेरा सीक्रेट ये है, कोई भी सब्जी काटती हूँ मैं इस जग में भर लेती हूँ पानी, और इसके साथ में दिन भर ये भीगता रहता है, यानी कि मेरी अच्छी खाद बन जाती है। अब इस पानी को मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और ये पानी मैं अपने पौधों में डालती हूँ, तो बहुत अच्छे फूल आते हैं, भर भर के फूल आते हैं, और मेरे पास जगह नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बहुत सारी सब्जियों की और फ्रूट्स की सब फसल उगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी किसान रह चुके हैं खेती बाड़ी, तो हम सभी लोग पहले ज़माने में किसान थे, तो किसान ही तरक्की है मेरे अंदर, मुझे भी अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे हों फूल हों सब हों उसमें ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये एक ऐसा पैशन है, एक ऐसा शौक़ है, अगर आपने ये अपने अंदर पाल लिया पौधे लगाने का, तो आपको डिप्रेशन वगैरह से फुर्सत मिल जाएगी, छुट्टी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कभी भी आपको, क्योंकि जब अपने लगाए हुए पौधे देखो
अब खूब अच्छी ग्रोथ होती है तो मन अपने आप ही खूब खुश हो जाता है। इसको मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ, मेरा भी मन कर रहा है मेरी ये सह जाएगा, मनी प्लांट खूब जो है लंबी लंबी सी हो जाए। पानी हो गया ऐसे करके तो कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ ऐसे देखो सही ना ऊपर की साइड जा रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चलिए पानी भर गया अब डाल देते हैं। ये मेरी पालक फालतू में बड़ी होती चली जा रही है, कैसे लगी कब लगी, और माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए इसमें कितने सारे फूल आए हैं। इस तरीके से फूल आते हैं इसमें मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझा गया मेरा फूल। तो बात है कि आप चाहे एक पौधा लगाएं और चाहे 10 पौधे लगाएं, सबके सब केयर मांगते हैं और इनकी केयर भी अपने बच्चे की तरीके ही करनी चाहिए जैसे अपने बच्चे को करते हैं। शाम का अब रोज़े ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा ज़्यादा, तो मैं अच्छे से कर पाऊँगी इन सबकी केयर। एक हाथ से तो मैं ऐसे छिड़क नहीं सकती, ऐसे ही डाल देती हूँ। कोई चिड़िया उड़ी है ऐसा लग रहा है। जब पौधे में नई नई पत्तियाँ आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि नए फूल नई पत्तियाँ आ रही है पौधों में। आ रहे बस आ रहे हैं, फ्रेंड्स वो बुला रहे हैं, मुझे नीचे जाना होगा, अब जल्दी जल्दी काम करके जाती हूँ। आ रहे फ्रेंड्स, आज रोज़ा खोला गया है, 24वां रोज़ा, 25वां रोज़ा। और मेरे घर में सबसे नन्हे रोज़ेदार से मैं आपको मिलाती हूँ। ये देखिए सब लोगों ने रोज़ा खोल लिया है, नमाज़ पढ़ ली, और ये मेरा नन्हा रोज़ेदार जो है ना, इसने तो नमाज़ नहीं पढ़ी है लेकिन ये जो है चटनी खा रहे हैं। देखिए सबसे छोटा नन्हा रोज़ेदार मेरा यही है। अब रोज़ेदार कहूँ या कहूँ क्या कहूँ, मगर इफ्तारी कर रहा है बेचारा, तो आप लोग इसके हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक ये बहुत अच्छे से हो जाए और इसको भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। एक नन्ना रोज़ेदार देखिए क्या हो रहा है, और एक नन्ना रोज़ेदार। ये मेरे घर में 2 छोटे रोज़ेदार हैं और साबिर, और बड़े अच्छे बच्चे मेरे आपने देखे होंगे। एक मेरा बड़ा बेटा है अब्दुल्ला, और एक मेरा बेटा वो है बहुत ही साबिर और जाबिर है। ये देखिए जो उसको खाने को मिलता है वो खा लेता है, जाके सो रहा है, आप देख सकते हो उसको नींद आ रही है, नहीं कुछ खा रहा है, उसके पापा देख रहे हैं हैप्पी गो। और बाकी ये जो छोटू छोटू है मेरे, अब बेटा तुम इसको मैं अंदर कर दूँ, नहीं पता चला ये चू 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 करके सारे दस्तरखान के सब। अरे मेरा बच्चा भूखा है, इनका खाना तैयार रहता है, कांटे में तैयार रहता है। अब ये सोच रही है क्या आप लोगों के घर में भी इस तरीके की बर्ड्स हैं, क्या आपके घर में भी नन्हे रोजेदार हैं, क्या आपके घर में भी बुलबुल और चुलबुल हैं, क्या आप लोगों को पसंद है ये बुलबुल, तो फिर आप लोग मेरे इस बुलबुल के लिए प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। माशाल्लाह से वीडियो में तो बुलबुल मेरी बड़ी लग रही है, लेकिन ये बहुत छोटी है और ये चने खाने जा रही है। ये देखिए कितनी छोटी है बेटा, आप अब इनको देखो, ज़रा सा मैं लेती हूँ, बस ये मेरे मोबाइल में आ जाती है, मेरी मोबाइल में आ जाती, खाना मांग रही। देखिए फ्रेंड्स खाना मांग रही है, नन्हे रोज़ेदार हैं, नन्हे रोज़ेदार हैं। अच्छा आपके पापा हिल को रे तकरारी चुरी चुरी मेरे भैया, रात जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे ये घड़ी सुनो, संगीत है ये संगीत है जीवन संगीत सुनो। तो फ्रेंड्स आप
बताइए आपको मेरी बुलबुल कैसी लगती है। और इनके पापा कहते हैं कि तुम वो पागल, बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम, यही सब करती रहती हूँ, बुलबुल चुलबुल हैप्पी फैप्पी सब में लगी रहती हूँ। तो फ्रेंड बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ये अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मेरा बस चले ना, मैं अपने सर पर बहुत सारी बर्ड्स को बैठा लूँ। आई एम सो सॉरी बट मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ में फालतू की बात करने से अच्छा है बर्ड्स को पाल लो ना, आप उसकी बात समझ सको ना वो आपकी बात समझ सके। बढ़िया है ना। बस आपको खाना खिलाना, कौन है? आई थिंक कोई आया हुआ है, आए हुए बच्चे, मेरा बेटा है ना, उसके छोटे छोटे से फ्रेंड्स हैं। कौन है आ रहा? देखिए इतनी तेज बाथरूम से निकला, फिसल जाएगा। हमारे दोस्त आए हुए ना, पता नहीं कौन है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। उधर से हैप्पी भी गाना सुना रहे अपना। महक जाऊं मैं ख्वाब था ऐसे, फूल बगिया में महकी है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। हग दिया। बातें कर लो, दोनों जन बातें कर लो। What are you doing, doing जीजू? What are you doing, doing जीजू? तो फ्रेंड्स ये जीजू हैं इनके, आप लोग मिलिए इनसे। हैं सुजैन, आपके ये जीजू हैं? What are you doing, doing जीजू? What are you doing, doing जीजू? तो आज फाइनली दोनों मिली गए। What are you doing, doing जीजू? चलो अब तो मैं अपने, देख रहे हो इतना बड़ा हैप्पी भी के अपने पिंजरे में है और तुम आज़ाद घूमती रहती हो हर तरफ। चलो बहुत घूम लिया, अंदर चलो। नहीं नहीं अंदर जाना है आपको। ओह नो, अंदर रहो अब थोड़ी देर के लिए। अब जा रही हूँ सारा काम करने, फैला पड़ा है, सब उठा के रखूँगी, इनको ही लेती रहूँगी। तो